पावन पवित्र हजूरी अंदर जुड़ बैठी गुरु प्यारी गुरु सवारी सतसंगत जी, आप जी सुखमणी साहब जी की जो लड़ीवार कथा चल रही है उस दे विच हाजरी भरन दे लई जुड़ बैठे हो। महाराज जी ने गुरबाणी दे अंदर नाम नूं कई चीज़ां दियां कुंजियां दस्से है। जिमें एक जंदरा ताला बिना चाबी तो नहीं खुलता, इस तरीके दे नाल मनुख की जिंदगी दे विच जेड़े गुण ने वो बिना नाम रूपी चाबी तो नहीं आते। महाराज आज दुनिया के बड़े बड़े ऐसे सवाल ने, जे मनुख सोचे तो वह सवाल बहुत वड्डे ने, पर गुरु जी ने उन्हां दा जवाब दिता है। क्योंकि आम कवि कवितावां रचदे ने वो अपनी दिमाखी बुद्धि दे नाल जो कुछ उन्हां नूं महसूस हुंदा है वो लिखदे ने, पर बुद्धि दी पहुँच मनुख बौद्धिक हो सकता है पर बुद्धि दे नाल परमेश्वर ते नहीं अपड़िया जा सकता। गुरबाणी भी कविता दे विच है पर गुरबाणी दे जेडे बोल ने वो आदकाल सत ने। महाराज ने कविता दे रूप विच ही गुरबाणी लिखी है, पर गुरबाणी बड़े गहरे अनुभव चों आई है। शायद महाराज जी दे अगे ये सवाल होए, जेड़े भगत ने वो दुनिया विच किवें प्रगट हुंदे ने। इहदे दो अर्थ ने इत्थे इस पंक्ति दे। इत्थों ये समझण दी गल है कोई मनुख भगत बनता है वह किवें बनता है, फिर अगली गल कि हरेक मनुख दे अंदर भगत बनन दी समर्था है। जिमें जिन्नी मिट्टी बाहर पई है हरेक मिट्टी दे विच ए समर्था है, वो घड़ा बन सकती है, विभिन्न प्रकार दे बर्तन वो बन सकती है। जिमें हरेक पत्थर दे विच ए समर्था है वो मूर्ति बन सकता है, भगवान की मूर्ति बन सकता है हरेक पत्थर। कि हरेक मनुख दे अंदर ही ये समर्था है वो भगत बन सके, कि हरेक मनुख दे अंदर ये समर्था है वो परमात्मा का ज्ञान लिख सके, इहदा गुरबाणी ने बड़ा बाखूबी जवाब दिता है। महाराज कहिंदे ने हाँ, हरेक मनुख ही भगत बन सकता है, हरेक मनुख दे अंदर उच्चा आचरण चंगियां वड्डियां शक्तियां आ सकदियां ने। पर महाराज जी ने एक तरीका दसिया, जे वह अपनाएगा तां उस तों पहला नहीं। महाराज अज दी पंक्ति आरंभ करदे ने कहिंदे हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। परमेश्वर दे भगत ने जेड़े दुनिया ते प्रगट होए ने हरी दे सिमरन करके, क्योंकि जेड़ा हरी दा सिमरन है, जिवें जो असी पत्थर घड़दे हाँ पत्थर तो कुछ बनाउंदे हाँ, उहदे जेड़े फालतू टुकड़े ने असी तोड़ तोड़ के थल्ले सुट्टी जाने हाँ, विचों उहदे मूर्ति निकल पैंदी है घड़ दिंदे हाँ। एवें मनुख के मन के अंदर
कई प्रकार के विचार आई जाते ने और बहुते हैगे भी ने, बड़ी लंबी यात्रा है मनुख की। संगत जी फिर कह दें, शरीर की यात्रा इन्नी लंबी नहीं है, जिहड़ा शरीर के अंदर बैठे वो यात्रा बड़ी लंबी है। इन बाणी ने कहा, हो आया दूर हो चल के, मनुख जिहड़ा है बड़ा लम्मा राही है, बड़ी दूरों आया है, पता नहीं किन्नियां इन्हें मंजिलां तय कीतियां ने, तां जाके इनू ये मनुखा शरीर नवा घर मिलिया, ये एक नवे घर च है, और बड़ी मुशक्कतां तो बाद इनू मिलिया है। वो वक्री गल है, मनुख इत्थे आके अपने आप नू शरीर ही समझण लग पिया, इत्थे स्थित हो गया। मनुख इत्थे रुक नहीं सकता, रुकिया मन लिया इन्हें, बस इन्नी गल है, रुक तो नहीं सकता। कई वारी मनुख मन लैंदा है, जिवें मनुख अपने आप नू दुनिया ते करता मन लैंदा है, है नहीं है। मनुख अपने आप नू कुछ करन वाला मन सकता है, पर है नहीं है। एवें कई वारी जिवें कोई बैरूपिया रूप धारदा है, कृष्ण जी का धारदा है, शंकर जी का धारदा है, हुण वह अपने आप नू शंकर मन सकता है, पर है नहीं है, वो मन सकता है, रूप धारिया सिर्फ। एवें मनुख ने अपने आप नू इत्थे मन लिया है नहीं है। महाराज साहब कहिंदे ने, हरी दा सिमरन कर करके भगत प्रगट हुंदे ने, उस तो बिना नहीं। हरी दा सिमरन एक ऐसा औजार है जिहड़ा मनुख दे फालतू टुकड़िआं नूं छिल दिंदा है, थल्ले सुट दिंदा है, और ये ऐसा तेल भी इहनूं कह सकदे आ जिहड़ा तेल अंदर पैंदिआं पैंदिआं ਇਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗੁਣ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦਇਆ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੰਤੋਖ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਬਰ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਅੱਜ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਪੰਕਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣਿਆ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਿਆ, ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਾ ਜੋਨ 'ਚ ਆ ਗਿਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹਰੇਕ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੋਂ ਤਾਈਂ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਘੜਾ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਘੜਾ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕੁਮਾਰ ਹੋਏ। ਹਰੇਕ ਮਨੁੱਖ ਹੀ ਭਗਤ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਈਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਿਮਰਨ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸੇਠ ਦੇ ਘਰ ਇੱਕ ਨੌਕਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਸੇਠ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਸੇਠ ਜੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, 10-15 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਕਰਦੇ ਨੂੰ। ਉਹ ਪੁੱਛਦਾ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਨੌਕਰੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਰੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਤਿਜੋਰੀ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਾਬੀਆਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਕਾਹਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ? ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਥੇ ਤਿਜੋਰੀ ਰੱਖ ਦਿਉ, ਚਾਬੀਆਂ ਦੂਜੀਆਂ ਰੱਖ ਦਿਉ, ਔਰ ਕਹੋ ਚਾਬੀਆਂ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨੇ, ਪਰ ਲੱਗਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਮਨੁੱਖ ਅਹਿਸਾਸ ਸਮਝ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੜੀਆਂ ਚਾਬੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਆਨੰਦ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਚਾਬੀ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬੜੀਆਂ ਨੇ, ਸੁੱਖ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਨੇ ਚਾਬੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਲੱਗਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚਾਬੀ ਹੈ, ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਨੰਦਿਤ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਇਹ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਨਾਮ। ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਰੀ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਜਿਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ, ਹਰੇਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਘੱਟ ਘੱਟ ਮੈਂ ਹਰ ਜੂ ਵਸੈ, ਬਸ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ।
दुनिया ते ऐसी कोई वस्तु नहीं है जिथे वो नहीं है। दुनिया ते ये भी कह सकते हैं ऐसी कोई थां ही नहीं बनी जिथे परमात्मा नहीं है। क्यों? जिथे परमात्मा नहीं उत्थे थां ही है नहीं। हरेक थां च है, हरेक जीव च है, और हरेक जीवां दे विच वो बोल भी रहे। सत्संग ज्यों ज्यों मनुख परमात्मा की भगती दृढ़ करता है ऐसी अवस्था उहदे ते बन जाती है। जे उहनूं कोई दूजा भी उपदेश दिंदा उहनूं इवें लगता है ये उपदेश मैनूं परमात्मा ही दे रहे हैं, मैनूं ठीक करना चाहुंदा है। गुरबाणी शब्द जे को मूँह उपदेश करत है ता वण तिण रतड़ा नारायण है। हर सिमरन कर भगत प्रगटाए। हुण अगला बड़ा वड्डा सवाल है दुनिया का, जिन्ना भी दुनिया ते ज्ञान आया है किवें आया है? ये सवाल है। जिन्ना भी ज्ञान है वेद ने, शास्त्र ने, सिमरतियां ने, एक मनुख ते ऐसा है जिन्हों हजे तई कुछ पढ़ना ही नहीं आता, कुछ समझ ही नहीं आई। एक ऐसा है जिन्हें वेद लिख दिते ने, एक ऐसा है जिन्हें सिमरतियां लिख दित्तियां ने। इतों सवाल पैदा होंदा है किवें ये संभव किवें हो सकता है? महाराज इहदा जवाब देंदे ने, हर सिमरन परमात्मा दा ध्यान, परमात्मा वल नूं खिचाव, दुनिया तो उदासी, दुनिया तो उदासी है, दुनिया नूं महानता नहीं है। जिन्हें परमेश्वर नूं महानता दे दित्ती उन्हें ज्ञान लिख दिता, ज्ञान उहदे अंदर प्रगट हो गया। और आप जी ये वेखोगे भी बड़े नॉर्मल दे लोग जिन्हां नूं दुनिया दे विच कोई जानता ही नहीं सी, उन्होंने गुरबाणी लिख दी, भगत रविदास जी वर्गे। कोई ये नहीं है गुरबाणी लिखण वास्ते उन्होंने पहला पढ़े ने, तां नहीं, गुरबाणी अंदरों आ गई। हरेक मनुख दे अंदर बाणी है, परमेश्वर गुरबाणी, परमेश्वर दी बाणी हरेक मनुख दे अंदर है। गल सिर्फ इन्नी है नाम जप जप के उह प्रगट होनी है। किसी की इस जन्म च हो जाएगी, कई नूं अगले दो चार होर लगणगे, कई नूं होर भी लग सकते हैं, पर जदों तई वह प्रगट नहीं होएगी उदों तई मनुख का छुटकारा नहीं है। सत्संग जिहनूं असीं मुक्ति कहिंदे आ, जे ते ज्यौंदिआं ज्यौंदिआं अंदरों बाणी प्रगट हो गई है, अंदर अनुभव हो गया गुरबाणी का, परमेश्वर का अनुभव हो गया, फिर तो छुटकारा है, नहीं अन्यथा मनुख का छुटकारा नहीं है। और साढ़े सामने महाराज ने बड़े वड्डे सवाल का जवाब दिता, जिड्डा वड्डा ज्ञान दुनिया से आया है ये वास्ते ये नहीं है कोई दुनियावी तौर पर पढ़न की लोड़ है, नहीं, ये ज्ञान तो जेडे अनपढ़ ने उन्होंने भी प्रगट हो सकता है। पढ़िया अनपढ़िया परमगत पावै, किड्डी वड्डी महाराज ने विचार दसे। पहले मन्या जाता सी वही ज्ञानी है जिहड़ा चार किताबां पढ़ लवे, पर गुरबाणी ने सारा विधान ही बदल दिता, महाराज ने सारी दुनिया की प्रथा ही बदल दी। कहते नहीं, ज्ञान होने वास्ते दुनियावी तौर पर पढ़िया लिखिया होना जरूरी नहीं है। और साढ़े सामने उदाहरण ने, कबीर जी, रविदास जी, फरीद जी, किन्ने ही भगत ने जिन्होंने ऐसी गुरबाणी लिखी है जिहड़ी अज तो 600 साल पहला भी सच सी और अज भी सच है। जिमें आप शब्द पढ़ने रिदा चिंत खटोला वाण दुख बिरह विछावण लेफ, हुण ये जिहड़ी पंक्ति 1200 ईस्वी च भी सच है भी मनुख चिंता की मंजी ते सौंदा है रात नूं, अज भी सच है। चिंत कटोला मंजी चिंता दी ते सौंदा है, वाण दुख वो जिहड़ा वुणी हुई है वह दुख ने, बिरह विछावण लेप जिहड़ा उदाहरण उन्होंने उदों दिता अज भी सच है। गुरबाणी कहिंदी है प्रभु का सिमरन करके भगत प्रगट हुंदे ने, ब्रह्मा जी ने वेद पैदा किते ने, वेद लिखे ने, वो कहिंदे ने हरी दे सिमरन विच जुड़े हुए सी तां लिख सके, उदों भी सच सी अज भी, तां ही तो कहिंदे ने आदि सच।
कोई कवि कविता लिखे अज सच हो जाएगी तो कल ना होए, पर गुरबाणी नहीं है। गुरबाणी अज असी सुन रहे हैं, साढ़े तो 100 साल बाद कोई होर सुनेगा उन्हें भी महाराज यही कहेंगे नाम जप वेद प्रकट कर देगा, नाम जप तेरे अंदरों ज्ञान आ जाएगा, खुशी आ जाएगी, आनंद आ जाएगा। अज भी महाराज यही कहते हैं आनंद सुनो वडभागी हो। गुरु अमरदास जी ने 1600 ईस्वी भी यही किया आनंद सुनो वडभागी। उदों भी जिन्होंने सुनिया वह आनंदित हो गए, अज भी उही आनंदित ने जिन्हें सुने। गुरबाणी तो उही है 1500 ईस्वी जेड़े भी महाराज के कोल सिख आउंदे होणगे वो कहिंदे महाराज आनंद चाहिए, उदण ही वह कहिंदे सी आनंद सुनो वडभागी हो सगल मनोरथ पूरे, उदण भी वह कहिंदे सी परमेश्वर का नाम जप आनंद आ जाएगा, उदण भी यही अज भी। उस दिन भी उन्होंने ही आनंद मिलिया जिन्हें गुरु की कृपा हो गई, जिन्हें ते गुरबाणी अंदर समझ आने लग पई। अज भी उन्होंने कृपा होंगी है जिन्हें समझ आ जाए, क्योंकि साध संगत जिहड़ा सुनना है ये कन रस है, समझना मन रस है, समाज आना ये आत्म रस है। पहला मंजर सुनन तो शुरू होंदी है, जंदी मनन तई है, मनन तो बाद समाउना है, पर पहला सुनना जरूरी है ना। जे मनुख सतसंगत विच सुनेगा ही नहीं फिर समझण ती किवें जाएगा। और सारे जिन्ने भी धार्मिक ज्ञानी अज तई होए ने वो कहिंदे ने सुनिया उदों तई पूरा नहीं होया जदों तई समझिया नहीं। गुरबाणी दियां 20 सत्रां पढ़िया ने, वह 20 सत्रां हजे तई, और ये नहीं है गुरु अर्जन साहब जी को महाराज को सिख आए भी सी, महाराज जी ने पूछा महाराज जिंदगी दे अंदर गुरबाणी अंदर जाए किवें। महाराज जी कहिंदे भाई जिहड़ा गुरबाणी नूं सुनना है तो ये भी फलदायक पर उन्ना नहीं है जिन्ना समझना है, ये गल नहीं है। जिवें घिओ होए, घिओ जिहड़े भांडे दे विच रखांगे असल दे विच उहनूं भी कुछ ना कुछ थंध्याई उह छड्ड ही जांदा जे भांडे 'च रखीए। गुरबाणी जदों असीं पढ़दे हाँ अंदर वह थंध्याई तो छड जाती है, अंदर वह थंध्याई छड जाती है। एवं जी गुरबाणी है बाहरों मनी है बाहरों सुनी है कुछ ना कुछ तो असर यह छेगी, पर इस तो अगे कहते हैं जे ये समझ ली जाए, समझ के निध्यासन बार बार इनू मन लिया जाए फिर ये बहुत व्डा फल दे देती है। महाराज जी इतने कहते ने हर सिमरन कर भगत प्रगटाए, भगतान का प्रगट होना है हर सिमरन नालों। साढ़े सामने किनिया साखियां ने, असी तो ये वेखते हाँ कई बार आप जी ने उदाहरण दिता है और किड्डी वड्डी वह भगतनी है गनका जिहदे कोल कोई नितनेम नहीं है, जिहदा कोई गुरु नहीं है कोई पीर नहीं है, पर उहदा कर्म कोई ऐसा जाग गया पिछला। इन्हों भाई गुरदास जी कहिंदे ने एक साधु आ गया उन्हें सिर्फ क्या ही है गणका कुछ नहीं करना, ये मेरा तोता फड़ इनू राम राम जपाई चल, हुण अनपढ़ है गणका। पर गुरबाणी इत्थे फरमान दिंदी है गणका पार उतर गई, कारण कि अंदर नाम चला गया, सिमरन चला गया, प्रभु की बंदगी चली गई। वो जिहड़ी बंदगी है ये वाल्मीकि नूं बटवाड़े नूं वाल्मीक बटवाड़े नूं भगत वाल्मीक बना सकती है। महाराज कहिंदे हर सिमरन कर वेद उपाए, हरी दे सिमरन दे विच लग्या मनुख ज्ञानी हो जाता है ध्यानी हो जाता है साध संगत, क्योंकि जिहड़ा हरी का सिमरन करता है ना उहदी एक पछाण हुंदी है, वह गंभीर हो जाता है, हर चीज़ नूं सोचता है समझदा है, ये सिमरन वाले की पछाण है। दुनिया दियां जिहड़ियां फालतू गल्लां ने उहनां नूं छड्ड दिंदा, बस इन्नी कु दी पछाण है। हजे मनुख दुनिया दे बड़े फालतू किस्से अपने मन दे विच धरी बैठा है, कोई साडे कोल खड़ा होए, मैं थोड़ा जिहा उदाहरण आप जी नूं देना चाहुंदा, दो मनुख खड़े ने जिहड़ा नाल दा उहने किते जाणा है,
ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਨਾਲ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਪਤਾ ਕੀ ਕਿੱਥੇ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਉਂ ਚੱਲੇ, ਉੱਥੇ ਕਰੇਗਾ ਕੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਸਵਾਲ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦੇ, ਇਹ ਫਰੀ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਫਰੀ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ, ਮਨੁੱਖ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਗਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਕੋਈ ਖਲੋਤਾ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੇਗਾ ਝਗੜਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਇਸ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜਪ ਤਪ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਰੀਆਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਸਲਾਹ ਵੀ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਨਿੰਦਿਆ ਵੀ ਇਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਉਦਾਹਰਣ ਵੀ ਦੇਣਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਗਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗੰਭੀਰ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਵੇਖੇਗਾ ਨਾ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲਾਭ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਇਹਦੇ ਘਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਾਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਲਾਭ ਹੈ, ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ। ਸਗੋਂ ਉਲਟਾ ਮੈਂ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਗਵਾਉਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਵਧਣਾ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇੱਥੋਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਸਿਰਫ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗਿਆਨ ਵੈਸੇ ਹੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਖਿਲ ਰਿਹਾ ਪਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਿਆਨ ਲਿਖਿਆ, ਵੇਦ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਉਹ ਗੰਭੀਰ ਸਨ। ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਜੇ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਮਨੁੱਖ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੀ ਬੀਟ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਧੜਕਦਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ ਨਾ, ਐਵੇਂ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਉਹ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਸਾਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸੁਣਨ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਹਿਸਾਬ ਡਾਕਟਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਸਵਸਥ ਹੈ। ਸਵਾਸਥਿਆ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਸਥਿਆ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਧੀ ਵਿਸ਼ੇਦ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਵੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਹੋਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਵਾਸਥਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆ ਗਿਆ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਸਵਸਥ ਹੈ। ਸਵਾਸਥਿਆ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸ਼ਬਦ ਸਾਡੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਇਜਾਦ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਹੈਲਥ ਦਾ ਉੱਡਾ ਵੱਡਾ ਮੀਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਵਾਸਥਿਆ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਰਥ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਸਵਾਸਥਿਆ ਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਕਰਦਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈ ਨਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਾ ਕਰ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਸੁਣਾ ਲੈ ਜਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨੁੱਖ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਨਾ ਦੱਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਨਾਲ ਹੀ ਡੱਕ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਰਾ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣੀ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾੜੀ ਹੋਏਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੱਸਣੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਏਗਾ ਐਸਾ, ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਭਾਰ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਮਨੁੱਖ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁਹੱਲੇ ਦੀ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਛੇਤੀ ਦੱਸ ਫਟਾਫਟ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿੰਨਿਆਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਨਾਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਰੀ ਫਿਰਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਮੈਂਬਰ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਗੁਣ ਅਵਗੁਣ, ਗੁਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਅਵਗੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, 5 ਦੇ 5 ਮੈਂਬਰ, ਪਰ ਰੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਅਵਗੁਣ। ਜਿੱਦਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਆਪਸ 'ਚ, ਉੱਦਣ ਫਿਰ ਦੱਸਣਗੇ ਤੂੰ ਆਹ ਵੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਆਹ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ 'ਚ ਹੀ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਸੰਭਾਲੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਗੰਭੀਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਨੇ ਹਜੇ ਤੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਬਿਨ ਮਜ਼ੂਰੀ ਭਾਰ ਪਹੁੰਚਾਵਣਿਆ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਲੱਦਿਆ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹ ਕਹੇ ਮੈਨੂੰ ਗਿਆਨ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਭਾਰ ਲਾਏਗਾ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਅਨੁਭਵ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰ ਹੈ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤਾਈਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਧਿਆਨ ਪਰਮੇਸ਼ੁਰ ਵੱਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਦਾ ਉਦੋਂ ਤਾਈਂ ਇਹ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦਾ, ਸਗੋਂ ਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਵੱਧਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਉਹ 'ਤੇ ਰੋਜ਼ ਕੱਪੜਾ ਨਾ ਨਾ ਮਾਰੀਏ,
रोज़ रोज़ कालक पैंदी जांदी है। ये जिहड़ा मन इहनू गुरबाणी ने आरसी किया शीशा किया, इहदे ते रोज़ रोज़ कुछ ना कुछ मिट्टी पैंदी जांदी है, रोज़ रोज़ पै रही है। भाव यह है ये शीशा काला ही हुंदा जा रहा है रोज़ रोज़। हुण महाराज कहिंदे ने सिर्फ गंभीर हो, परमेश्वर का नाम जपया जिन्हां ने उन्हां दे अंदरों ज्ञान प्रगट होया। अगे महाराज कहिंदे ने हर सिमरन भए सिद्ध जति दाते, ये दोवें जिहड़े शब्द ने ना सिद्ध ते जति गुरबाणी विच बड़े आउंदे ने। सिद्ध दा मतलब है जिहदे अंदर सुपरनैचुरल पावर होण, जिहड़ियां आम मनुखी शक्तियां जिहड़ियां आम सधारण मनुख च नहीं हैगियां उहदे विच हैगियां ने, उहनूं कहिंदे ने सिद्ध। जति कहिंदे ने चंगे आचरण वाला, उच्चे सुची सोच वाला इंसान। पर महाराज कहिंदे जे कोई उच्ची सुची सोच वाला बनना चाहुंदा है, और जे किते मनुख ये भी चाहुंदा है भी उहदे अंदर ऐसियां शक्तियां आउण जिहड़ियां किसे कोल ना होण, फिर कहिंदे हरी सिमरन करे, परमेश्वर की बंदगी करे। और ये नहीं है अज बंदगी करेगा अज ही आ जाणगियां, ऐसा नहीं है। जिमीदार बीज अज बींदा है, ये नहीं है अगले दिन ही वढ़ के दाती लैके खड़ा हो जाता वढ़ लो, ऐसा नहीं। अज बीजदा है एक साल तीन वेट करता है फिर जाके, और किन्ने झखड़ झोले आते हैं फसल उत्ते। जिमीदार वेखदा रहिंदा है, कभी बदल चढ़ के आ जाता है, कभी मीह पैना और नाल नाल अरदासा करी जाता है परमात्मा बचाई रखी। एवं जिहड़ा मनुख नाम जपदा उहनूं बड़ियां मुश्किलां आउंदियां राह ते तुरदियां संगत च आउंदियां, कई प्रकार दियां दिक्कतां आउंदियां ने, लोकी बड़ा रोकदे ने। जदों असीं नाम जपदे हाँ दुनिया बड़े प्रकार दियां गल्लां करदी, कोई बगला भगत कहेगा, कोई कहेगा बड़ा रब दा बणिआ है। हुण जिन्हां दा काम है कहना उहनां नूं कहण देना चाहीदा। जदों असीं गुरू वल जुड़ांगे ना साध संगत, जदों चोखा ही नेड़े लगना शुरू होवांगे फिर ये गल्लां सुणनियां पैणगियां, ये वड्डा भगत है, ये बगला भगत है, ये अखां मीट के रखदा है, ये अपने आप च बड़ा वड्डा बन गया है, ये सुणनियां पैंदियां ने। क्योंकि जिस दिन हनुमान जी तुरे ना संजीवनी लैण दे, क्यों जो चंगे काम ते असीं तुरीदा है मुश्किलां आउंदियां ही उदण ने, मंदे च कित्थे आउंदियां ने। मंदा करदिया कौन डुकदा है, चंगा करदिया डकदा नहीं, मेरे तो अगे ना निकल जाए, बस गल ये है होर कुछ नहीं। वे रब नाल ज़्यादा जुड़ गया कितने प्राप्त ना कर जाए कुछ, गल इन्नी है। जिस दिन तुरे ना संजीवनी लैण लई ते राह दे विच ना रावण नूं ये पता लगा, क्योंकि रावण दे भी नाल गुप्तचर सन, ते पता ही जे लक्ष्मण नूं सवेर ते संजीवनी ना मिली ते इन्हें चढ़ाई कर जाणा है। हुण रावण ने एक कालकेत नां दा राक्षस है उहनूं तैयार किया, कहिंदे तूं कुछ नहीं करना सिर्फ हनुमान नूं रोक के रखना है। हुण ऐसे कालकेत नां दे बड़े ने साडे राह विच, जदों असीं संजीवनी लैण लई तुरांगे, नाम जपण लई तुरांगे, सतसंगत लई तुरांगे, ऐसे बड़े ने कालकेत जिहड़े विच रोकदे ने। पर रुकना नहीं है, रुकावट नहीं पैण देनी, तुरदे रहना है। ज्यों ज्यों तुरांगे मंजिल अगे अगे तुरी जाएगी, पर ये रुकावटां आउंदियां बड़ियां ने, क्योंकि जिहड़ा धर्म दा राह है उत्ते रुकावटां ही ने। और गुरबाणी ने तां ही स्पेशल महाराज जी ने शब्द लिखिया, कहिंदे तेरे कोल रुकावटां ते बड़ियां आउणगियां धर्म दा काम करदिआं, पर देरी ना करी, कि पता जिहड़ा विचार होण आया अगले पल बदल जाए। नह बिलंब धर्मं बिलंब पापं, कितने धर्म का काम करद्या ना देरी करी, क्यों कि पता हुण मन ने विचार चंगा लिआंदा, मन का की पता है अगले विचार बदल जाए। बाणी कहिंदी है हर सिमरन भए सिद्ध जति दाते, जति बन गए सिद्ध बन गए हरि सिमरन नाल। और जिहड़े बन जाते ने वह अपने आप नूं फिर भी ये कहिंदे ने मेरे अंदर कुछ नहीं है। जिवें आप जी ने कई बार ये साखी सुनी है, कहिंदे एक फकीर है, एक वेशवा रोज़ उन्हूं कहिंदी है, हे फकीर तेरी दाढ़ी चंगी है कि मेरे कुत्ते दी पूंछ, और रोज़ उन्हूं कहिंदी है, लंघदी है रोज़। वो फकीर बोलता नहीं, चुप रहिंदा है, क्यों उन्हूं पता है जिहड़े मनुख मन दे तलते जीरे ने उन्हां नूं मन दे सुभा दा पता हुंदा है, मन का कोई पता नहीं। डोले तो लखां ते ना डोले, डोले तो 10 रुपए तो डोल जांदा। मैं किसी की गल सुन रहा सी, कहिंदे पाकिस्तान की गल है,
उस समय उसनों 40,000 रुपये मिले, वो 40,000 रुपये उन्हें वापस कर दिते। लोग कहने एडा वड्डा धर्मात्मा उस समय दे 40,000। कहिंदे एक दिन मंडी च गया कि रेहड़ी दे उत्तों 4 आलू चुके जेब च पा ले। लोग कहिंदे उही मनुख है, कहिंदे हाँ उही है, किते 40,000 ते नहीं डोलिया, आलूआं ते डोल गया। ये मनुख का महाराज दे बाणी दे विच अरदास है स्पेशल, डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ परमात्मा, माई मन मेरो बस ना है, मन मेरे बस विच नहीं है, ये परमात्मा तू डोलन तो बचा सकता है, ये बस विच नहीं है, मन मन खुट हर तेरा नहीं विसास। हुण फकीर चुप रहिंदा है जिस दिन जाण लग्या ना दुनिया तो, अपने चेलियां नूं कहिंदा उहनूं वेसवा नूं लिआओ बुला के, उस दिन उहनूं कहिंदा बीबी तेरे कुत्ते दी पूंछ दे नालों मेरी दाढ़ी 100 गुणा चंगी है। कहिंदे तू ये गल उदन क्यों नहीं आखी? कहिंदे बीबी दुनिया बड़ी वड्डी है, ये मार्ग ते चलदे आ पता नहीं कदों दाग लग जाणा है, इस करके मैं उदों नहीं आखी। अज मैनूं पता है अज मैं दुनिया तो बेदाग जा रही हाँ, अज मैं कह सकदा ये मेरी दाढ़ी चंगी है। जेड़े जती बन जाते ने, जेड़े सिद्ध बन जाते ने, पछाण निम्रता है, जिन्हां कोल ये उच्चा आचरण हुंदा है उन्हां दी पछाण निम्रता है। ये आउंदा किवें? हरि सिमरन नाल। अगे महाराज कहिंदे ने हर सिमरन नीच चोह कुंट जाते, जिन्हां नूं कोई नहीं जाणदा हुंदा साध संगत, नीच लोग जिन्हां दे कोल कोई विद्या नहीं हुंदी, कोई ज्ञान नहीं हुंदा, 4 कुंडां दे विच लोकी उन्हां नूं जानण लग जांदे ने। साडे सामने भगत रविदास जी हैगे ने, भगत भगत जग वज्जिया चौं चक्कां दे विच चमरेटा, भाई गुरदास जी कहिंदे ने जिस नीच को कोई ना जाने, नाम जपत चौकुंट माने, जिन्हों कोई नहीं सी जानदा, अज भगत रविदास दे थां थां मंदिर ने, पिंड विच नहीं सी कोई जानदा हुंदा कि वह कोई बड़े बड़े ज्ञानी सन, कि वेदां दे ज्ञाता सन, नहीं, सिर्फ हरी 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 सारी उम्र हर हरी करते रहे। भगत कबीर दी सारी उम्र राम राम ही करते रहे। इस करके गुरु ने कहा तू भी वाहेगुरू वाहेगुरू करता रहे, ये वाहेगुरू वाहेगुरू करने जी बड़ा कुछ है। अगे महाराज कहते हर सिमरन धारी सब धरना, प्रभु ने सिमरन दे द्वारा ये सारी धरती धारण की हुई है। सिमर सिमर हर कारण करना, ये धरती दे पिछे पैदा होने पिछे संघार होने पिछे एक ही कारण है, वह परमात्मा है। इत्थे किसी नूं कुछ मिले है कुछ विछड़े है, इहदा कारण कोई दूजा नहीं है, परमात्मा है। दुख का कारण भी उही है, सुख का कारण भी उही है। हर सिमरन की ओ सगल आकारा, परमात्मा ने यह सारी सृष्टि का आकार बनाया है। हर सिमरन मह आप निरंकारा, हरि सिमरन दे विच परमात्मा आप हुंदा है, आप वो प्रेजेंट हुंदा है जिथे रब का सिमरन होए, या इवें भी कह सकते हैं जिन्हां दे अंदर रब का सिमरन हुंदा है उन्हां विच परमात्मा ही बोलता हुंदा है। हर सिमरन मह आप निरंकारा। पर अगे महाराज जिहड़ी इह गल कह रहे ने इह थोड़ी जी अरदास वाली बेनती वाली गल है, कर किरपा जिस आप बुझाया। ये साध संगत बड़ी वारी गुरबाणी च ना एक आनंद की गल तुसीं इह वेखोगे, महाराजे भी कहणगे ना भी वह बड़ा पापी है, उन्हें ये पाप मनमुख ने यह कर लिया, पिछे आके महाराज कहणगे ओए विचारे क्या करे जा भाग तुर मंदे, महाराज पिछे आके कह देंगे इन्हां विचारियां जीवां दे हथ विच की है, डोरी वो हथ विच है, कई वारी पापी बना दिंदा कई वारी पुन्नी बना दिंदा। इत्थे भी महाराजे ही कहिंदे ने सिमरन जिहड़ा है ये प्रभु दे तरस तो मिला नहीं मिलता, ये भगवान दा किते तरस हो जाए ना मनुख ते, कर किरपा जिस आप बुझाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। हरि दा सिमरन हरि दी याद उन्हां नूं मिलदी है जिथे किते हरि किरपा कर देवे, परमेश्वर किरपा कर देवे, तां ही गुरबाणी कहिंदी है इत्थे जोर नाल नहीं कुछ भी मिल सकदा, इहदे जोर ना जुगती ज्ञान विचार। महाराज कहिंदे ने जोर दे नाल ना ये तेरा संसार छुट सकदा है,
और लास्ट दे विच महाराज कहिंदे ने जिस हथ जोर कर वेखै सोए नानक उत्तम नीच ना कोए। ये बड़ी वड्डी गल है साध संगत। महाराज कहिंदे ये ना सोच किसी नूं ये बड़ा वड्डा ज्ञानी है तो ये अज्ञानी है, ना उहदा कोई पता नहीं है। कदों ज्ञानियां नूं अज्ञानी बना दिंदा है, अज्ञानियां नूं ज्ञानी बना दिंदा है, उहदा कोई पता नहीं। नानक उत्तम नीच ना कोए, इत्थे कोई ना उत्तम है ना कोई नीच है, ये गुरबाणी का फरमान है। कितने मनुख अरदास कर ले गुरु के अगे, परमेश्वर के अगे कितने अरदास कर ले, परमेश्वर नूं बार बार बेनती करे, उहदे सामने अरजोई करे, ये परमात्मा मैनू अपने सिमरन दे विच ला लै, अपनी बंदगी बख्शन। जिहनूं भगत फरीद साहब ने कहा भी है, शेख फरीदा है खैर दीजै बंदगी। ये परमात्मा जे तू मेरी झोली विच कोई खैर पाउणी है ना, तो मेरी झोली दे विच बंदगी दी खैर पा दे, क्योंकि तेरी बंदगी दे विच बहुत कुछ है। ये अज एक अष्टपदी जिहड़ी वह संपूर्ण हुई है, पर आपां अठां दिनां दे विच ये वेखिया है घट्टो घट के 80 पौड़ियां सन, 80 पंक्तियां सन, जिहदे विच महाराज ने हरी सिमरन दा ही दस्या। हरी सिमरन कीतियां की मिलदा है। महाराज ने यह भी दस्या है मानसिक शांति, अध्यात्मक मंजिल। दुनियावी तौर पर जे कोई लोड़ है, किसी नूं धन दी लोड़ है, पैसे दी जरूरत है, वह भी रब दा सिमरन करे, उहदे नाल ही उहदी पूरी हो जाती है। पर सिमरन नूं चित ला के करे, दो बेड़ियां च पैर ना रखे, सीधा होकर परमेश्वर वल लग जाए, जिवें भगत धन्ना जी लगे सन। भगत धन्ना जी जिवें कितें सीधा होकर लग जाए बस, पर ये सारे आसरे ला के जिस दिन लग जाएगा उस दिन सारिया चीज़ों की प्राप्ति है गुरु जी कृपा करन। हुण जिहड़ी अगली पंक्ति चलनी है, अगली अष्टपदी, पहला श्लोक है दीन दर्द दुख भंजना। दीना दे दर्द दूर करन वाले परमात्मा, दुनिया के दुख दूर करन वाले परमात्मा, ये जिहड़ी विचार असी कल दी कथा विच करांगे गुरु जी कृपा करन। जिन्हें भी आप सतसंगी चल के आउंदे हो, सभना नूं गुरु जी देह अरोगता नाम की दात, चढ़ती कला की दात बख्शे। आप जी इस तरीके नाल बिना किसी रुकावट तो गुरु साहब आप जी नूं एवें सतसंगत दे विच लैके आउण। इन्नियां बेनतियां आप जी ने प्रवान करनियां, होई भुल चुक दे लई खिमा करनी जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।